स्टूडेंट मैं राजवीर सर, आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर सिस्टम। और इन दिस चैप्टर वी फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स, कितनी तरह के हमारे नंबर होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग ए टू जेड हर तरीके की जानकारी कर लेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक फिर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार आप कंप्लीट वीडियो देख लेना। आपने एक बार कंप्लीट वीडियो देख लिया तो खुद ही आपको लगेगा कि शायद हमने अभी तक जितने वीडियो देखे होंगे तो उससे कहीं ज़्यादा हमको जानकारी मिल गई, ऐसा मेरा आपसे वादा है। अगर आप एक बार पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं, बहुत सी नई चीज़ें आप सीख लेंगे यहाँ से, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हर संभावित क्वेश्चन मैं कवर करूँगा, यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। और अभी तक इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए थे आए हुए हैं उनको भी शामिल। तो ये वीडियो चाहे हमारे छोटे क्लास के बच्चे हों चाहे बड़े क्लास के बच्चे हों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके काम का है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चलिए तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर की बात करेंगे। नेचुरल नंबर जिनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं सब लोग जानते होंगे, लेकिन हमें शुरुआत से पढ़ाना है। तो नेचुरल नंबर आर दोज नंबर्स विच इज यूज इन काउंटिंग। जो नंबर हमारी काउंटिंग में यूज होती है, गिनती गणना करने में यूज होती है, गिनने में यूज होती है, उन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या। जैसे कि आप जानते हो कभी भी कोई चीज हमें काउंट करते हैं हम लोग तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वन से स्टार्ट करते हैं। यही हमारी क्या है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है। आप हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो 0 भी ऑप्शन दे सकता है, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया जा सकता है तो 1 हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ही 1। हम लोग इनको लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप वीडियो रोक करके देख लिख सकते हैं, मैं लिखाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। सबसे पहले हमने एक सर्किल लिया, इसमें हमने नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। जी स्टार स्टार कहाँ से होती है, 1, 2, 3, 4 डाटा अप टू इनफाइनाइट सबसे बड़ी नेचुरल नंबर पता नहीं तो हम इनफाइनाइट लिखते हैं, ठीक है, नॉन डिफाइंड। कहाँ तक जाएगा, चलता रहेगा, बिलियन बिलियन जो भी मिलियन बिलियन है सब आता रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे होल नंबर की। तो हमने एक और सर्किल ड्रॉ किया, इसमें हमने लिख दिया होल नंबर W, ये नेचुरल नंबर। होल नंबर कैसे बनेगी, नेचुरल नंबर में 0 हटाइए, 0 को और शामिल कर दीजिए तो जो नंबर मिलेगी हमारी वही क्या हो जाएगी, होल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 को शामिल करने से जो नंबर हमको प्राप्त होती है उनको कहते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या। इंग्लिश में कहेंगे द नंबर्स विच आर फाउंड बाय इंक्लूडिंग 0 इन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में 0 को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होती है वही हमारी क्या है, होल नंबर है। तो अब जो बड़ा वाला सर्किल बना है इसके अंदर जितनी संख्याएं दिख रही हैं सबको सबको हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। 1 भी होल नंबर, 2 भी, 3 होल नंबर, लेकिन सबसे छोटी होल नंबर क्या है, वो है हमारा 0। अब होल नंबर के बाद क्या आता है हमारा, एक सर्किल और हमने ड्रॉ किया और इसमें हमने लिख दिया आई, आई फॉर इंटीजर, आई फॉर इंटीजर। देखो यहाँ पर सारे जो नंबर लिखे हुए हैं
जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सब इंटीजर। इसके अलावा क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 डॉट, लास्ट में आपको पक्का माइनस का टू मिलेगा। यहाँ पे चलो हमने माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस टू फाइव। अब बहुत निगेटिव चीज से आ रहे हैं, बहुत निगेटिव लगा हुआ माइनस लगा हुआ है, यानी बहुत छोटी चीज से आ रहे हैं इनफाइनाइट, बहुत छोटी चीज। इससे आगे को बढ़ोगे बहुत सारे आपको नंबर मिलेंगे रास्ते में, लास्ट में जाके आपको माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन ये नंबर जरूर मिले। ये निगेटिव में सबसे बड़ी नंबर है माइनस वन। इसके इधर जितना चले जाओगे और छोटी नंबर मिलते चले जाएगी, क्योंकि उनके आगे माइनस लगा होगा, इसलिए वो सब कैसी होगी छोटी। ये सबसे बड़ी नंबर है माइनस वाली नंबर में, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? माइनस नंबर। माइनस वन के बाद आपको मिलने लगेगा फिर भाई साहब जीरो, जीरो ना प्लस माना जाता है और ना निगेटिव माना, ना पॉजिटिव ना ही वो निगेटिव माना जाता है, ठीक है। तो भैया इसके बाद जीरो फिर वन टू थ्री फोर फाइव, यानी बहुत छोटे से लेकर के हम बड़े की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब जितने नंबर आपको दिख रहे हैं सबको हम इंटीजर कहेंगे। इधर वाले जो नंबर हैं ये हमारे निगेटिव इंटीजर, तो हमने आई पर माइनस लगा दिया। इधर वाले जो नंबर हैं ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर, इन पर हमने इन्हें आई प्लस कर दिया, आई पर प्लस लगा दिया। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, जीरो भी इंटीजर है पर जीरो नॉट पॉजिटिव नॉट निगेटिव, ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना निगेटिव होता है। हमारे एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीरो यानी कि शून्य होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक दोनों। इंग्लिश में कहेंगे निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और नॉट निगेटिव नॉट पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, अवर आंसर विल बी करेक्ट, नॉट पॉजिटिव नॉट निगेटिव, ना तो वो पॉजिटिव होगा और ना ही निगेटिव, इंटीजर है बट ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ना पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव, व्हाट इट। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इस बड़े वाले सर्किल के अंदर अगर इसको पहला सर्किल नाम दें, इसको दूसरा सर्किल नाम दें, इसको तीसरा, तो तीसरे वाले के अंदर जो भी चीज है सबको इंटीजर बोलेंगे आप, सब हमारे इंटीजर है। क्या आप क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं? बिल्कुल होती हैं। क्या सभी पूर्ण संख्या इंटीजर होती है? बिल्कुल होती है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे छोटे क्लासों में भी, बड़े क्लासों में भी, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, ठीक। अब हम लोग बात करें इसके बाद रेशनल नंबर की, बाकी सम विषम सब बताएंगे, डोंट वरी, ई डोमेन सब बताएंगे। अभी मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप वैसे पढ़ लीजिएगा। इसमें आ गई आपकी रेशनल नंबर, ये Q से डिनोट करते हैं और ये P अपान Q के फॉर्म में होती है, बट जो Q है यानी कि डेनोमिनेटर जिसे हर बोलते हैं वो जीरो नहीं होना, नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और पी क्यू क्या है? कोई भी इंटीजर। कभी भी अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट्स से पूछता हूँ कि बेटा व्हाट इज इंटीजर, व्हाट आर एन इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, देन देयर आंसर विल बी, क्या होता है उनका आंसर? सर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू आर कॉल्ड इंटीजर्स। देन आई विल आस्क, मैं उनसे ये पूछूंगा कि बेटा व्हाट आर पी एंड क्यू, तो वो फिर से कहते हैं कि सर पी क्यू कोई नंबर है, कौन से नंबर है ये नहीं बता पाते। ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है
कि यहाँ पर एक पी आ रहा है द्वारा, ऊपर वाले को हम पी कह रहे हैं, नीचे वाले को क्यू कह रहे हैं, हमने अपनी सुविधा के लिए नाम दिया पी और क्यू। अंश हर, अंश को पी कह रहे हैं, हर को क्यू कह रहे हैं, और अंश को हम नोमिनेटर कहते हैं, हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो पी हमारा नोमिनेटर है और क्यू हमारा डिनोमिनेटर है, दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि अंश भी पूर्णांक होना चाहिए, हर भी पूर्णांक होना चाहिए, और क्योंकि जीरो भी पूर्णांक होता है तो पी की जगह भी जीरो आ सकता है, अंश में जीरो आ सकता है, लेकिन हर में कभी जीरो नहीं आ सकता है, ये कंडीशन है। तो आप समझ गए हमारी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। तो रेशनल नंबर क्या है, नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P upon Q, where P, Q are any integer, but Q is equal to not zero. P, Q कोई भी दो हमारे पूर्णांक है, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए, बस। अब आप ध्यान देना, अगर आपको परिमेय संख्या पता करनी है कि कोई परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप देख लो नोमिनेटर में एक इंटीजर होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर में इंटीजर होना चाहिए, या हम कहें कि एक इंटीजर हमारा अंश में होना चाहिए, दूसरा इंटीजर हमारा हर में होना चाहिए, वही नंबर हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल भैया 3 लिख दिया, -2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 0 लिख दिया, ये क्या परिमेय संख्या है? हाँ परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? आप, मैंने तो अभी कहा कि एक ऊपर इंटीजर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, क्या यहाँ पर ऐसा है? भैया इसके नीचे 1 लिख लो, एक ऊपर इंटीजर एक नीचे इंटीजर, परिमेय संख्या हो गई कि नहीं हो गई? तो जीरो परिमेय संख्या है, वन यहाँ छुपा होता है, आप लोग जानते हो ना, जानते हो, इसके नीचे भी तो वन छुपा है, एक इंटीजर ऊपर एक इंटीजर नीचे, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। इसके नीचे वन लिख लो, नंबर है, वन के नीचे वन कर लो, एक इंटीजर ऊपर एक इंटीजर नीचे, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। यानी जितनी नंबर हमने यहाँ लिखी सबकी सब आपकी रेशनल नंबर है या है परिमेय संख्या। और 3/5 -3/2 7/2 7/2 1/2 1/3 -1/4 तो ये सारी भी हमारी क्या है परिमेय संख्या रेस नंबर। और ये सब अंदर लिखी है, ये भी सब की सब क्या है, ये भी सब की सब परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की जो दुनिया है वो भी काफी बड़ी होती है, जितनी नेचुरल नंबर है सबको रेशनल नंबर कहेंगे, जितनी पूर्ण संख्या है सबको रेशनल नंबर कहेंगे, कितने इंटीजर है सबको हम रेशनल नंबर कहेंगे, और हमने एक्स्ट्रा में ऐसी नंबर जो है ये भी हमारी रेशनल नंबर होती है। क्लियर समझ में आ गई होगी चीजें, आपका जितनी भी चीजें आपको दिख रही है सबकी सब रेशनल नंबर है, सबको रेशनल नंबर आप कह सकते हो, सबको परिमेय संख्या आप कह सकते हो। इसे क्लियर सब चीज समझ में आ गई होगी, और फिर भी कोई आपको डाउट रहे तो आप कमेंट जरूर किया करें। ठीक, रेशनल नंबर तक बात क्लियर है, अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के लिए हम एक सर्किल अलग से बना रहे हैं, इरेशनल नंबर होगी रेशनल नंबर। इरेशनल
बच्चे से पूछोगे बेटा इरेशनल नंबर क्या है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, तो वो कहता कि सर द नंबर्स व्हिच आर कैंट, व्हिच आर व्हिच बोलो व्हिच कैंट, द नंबर्स व्हिच कैंट रिटेन इन व्हिच कैन नॉट रिटेन राइट इन द फॉर्म, व्हिच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ऐसी नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं वो नंबर हमारी क्या होती है, क्या होती है आपकी इरेशनल नंबर। ऐसी नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं वही हमारी इरेशनल नंबर होती है या परिमेय संख्या होती है, या यू कह दो कि जो परिमेय संख्या नहीं हो उन्हीं को हम बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, टू प्लस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री, रूट टू अपॉन थ्री, रूट फाइव अपॉन टू प्लस रूट फाइव, ऐसा स्टार ऐसी जितनी भी नंबर है वो सब हमारी क्या बोली जाती है इरेशनल नंबर बोली जाती है। ठीक, इनको आप इरेशनल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि रूट टू है आप, बट कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बटे में कर लो अब तो इरेशनल नंबर हो गई। अरे बुड़बक ये तो बताओ बेटा हमको कि ये है, ये बताओ हमें कि क्या ये इंटीजर है, पूर्णांक है, चलो ये पूर्णांक है आपकी बात मान ली, ये पूर्णांक है इंटीजर है, दोनों इंटीजर होने चाहिए, अंश में है डिनोमिनेटर में है वो भी, न्यूमिनेटर में है वो भी, अंश हर दोनों में पूर्णांक होना चाहिए तभी तो होगा परिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ये इंटीजर कहाँ से होने लगा, ये इंटीजर है ये नहीं, कौन ये इंटीजर है नहीं, तो इसलिए इस नंबर को आप इरेशनल नंबर नहीं कह सकते हो, परिमेय संख्या नहीं कह सकते हो, ये कैसी है परिमेय संख्या। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, और जरूरी बात क्या है कि जैसे जी हमने लिख दिया टू प्लस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री, फाइव रूट फाइव अपॉन रूट प्लस रूट फाइव, तो ध्यान रखना कभी भी एक आपकी रिलेशन नंबर और एक रिलेशन नंबर हो तो इस पूरे रिजल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे को कहेंगे कि ये इरेशनल है, इरेशनल है, ये पूरी चीज क्या है इरेशनल, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे यहाँ इंटू हो चाहे यहाँ डिवाइड हो, एक रेशनल दिख जाए एक इरेशनल दिख जाए तो हमेशा रिजल्ट कैसा रहता है इरेशनल, यानी कि अपरिमेय संख्या रहता है। ठीक, रूट फाइव अपॉन टू भैया जी पूरे को हम क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, भले ही इसमें एक परिमेय संख्या आ रही है लेकिन पूरे को क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या बोलेंगे, समझ गए। इस तरीके से हमारे लिए क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, आप सुन आपको दिए कहेंगे कि विच इज इरेशनल नंबर इन द फॉलोइंग, तो आपके पास ऑप्शन है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, चलो इरेशनल नंबर यहाँ पे बंद किया सी डी, इरेशनल नंबर कौन सी है, इरेशनल नंबर बताओ, जी भी रेशनल, जे भी रेशनल, जे भी रेशनल, जी आपकी कैसी है इरेशनल, जी इरेशनल क्यों हुई क्योंकि इसकी वैल्यू होती है थ्री, उसका मान उसको कितना होता है तीन होता है ना, इसलिए वो कैसी है हमारी कैसी है रेशनल। ठीक, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है, कोई डाउट है तो आप पूछिए। तो अब हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की रियल नंबर्स की। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, या सभी परिमेय अपरिमेय संख्या मिलकर के
वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। इंग्लिश में कहेंगे ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रेशनल रियल नंबर, सॉरी आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, क्या बोलेंगे उनको रियल नंबर बोलेंगे। जितनी भी हमारी रेशनल है इरेशनल है सबको इकट्ठा कर लो तो क्या मिलेंगी हमें, रियल नंबर मिल जाएगी, वास्तविक संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो एक हमने यहाँ पर इसको तो मैं हटा सकता हूँ और इसको भी हटा सकता हूँ, जो हमने एग्जाम्पल दिया था। एक और यहाँ पर हमने बड़ा सा एक रेक्टेंगल लिया है, आयत लिया है, इस आयत के अंदर हमने यहाँ डाल दिया आर, और आर फॉर रियल नंबर्स, क्या रियल नंबर्स। तो भाई साहब इस बड़े वाले आयत में रेक्टेंगल में जितनी आपको नंबर दिख रही हैं ये सब पूरी दुनिया की दुनिया क्या है आपकी, सबको वास्तविक संख्या है। तो यहां से आप कोई सी नंबर उठा लो सब वास्तविक संख्या है, आंखें बंद करके कोई सी नंबर उठाओगे तो जो नंबर उठाओगे वही रेशनल नंबर होगा। आप किसी नंबर को, कोई नंबर ऐसी नहीं है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये काउंट नहीं है, रियल नंबर नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं, यानी कि सबकी सब वास्तविक संख्या है। ठीक, ये सब नंबर, ये सब नंबर सबको वास्तविक संख्या, वन भी वास्तविक संख्या, जीरो भी वास्तविक संख्या, माइनस वन अपान भी वास्तविक संख्या, टू भी वास्तविक संख्या, जी वाली रूट टू रूट थ्री रूट फाइव रूट सेवन सबको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अब और भी कोई संख्याएं बची हैं जो वास्तविक संख्या नहीं होगी उन्हें क्या कहेंगे, उनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्या। अच्छा वास्तविक संख्याओं के बारे में एक बात और समझ लेना, वैसे हम रियल नंबर इसको भी लिख सकते हैं आपकी रेशनल नंबर प्लस इरेशनल, रेशनल नंबर, इन सबको मिलाने से जो नंबर मिलेगी उनको हम रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर की एक पहचान और होती है कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करें, स्क्वायर करने पर जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा होना चाहिए तो वो संख्या हमारी रियल नंबर होगी। क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ सकते हैं कि ए वास्तविक संख्या पूरी होगी कब, अगर इस ए ए इज अ रियल नंबर वास्तविक संख्या होगी, इफ ए का स्क्वायर करो तो जी हमेशा बड़ा या बराबर आना चाहिए जीरो के, इधर वाली जो चीज है इसका स्क्वायर करो तो ग्रेटर देन इक्वल आनी चाहिए जीरो, यानी जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी आनी चाहिए। कोई नंबर अगर उसका हमने स्क्वायर कर दिया तो जो हमें स्क्वायर करने पर चीज मिल रही है वो हमेशा हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। जैसे यहाँ कोई नंबर उठा लो रूट टू उठा दिया, रूट टू का आपने स्क्वायर किया, समझाने के लिए चलो यहाँ लिख रहे हैं तो क्या मिला टू जो जीरो से बड़ा है, तो हमने कहा जीरो से बड़ा मिले या जीरो के बराबर मिले। ठीक, किसी का भी करोगे मिलेगा, जैसे कि रूट थ्री का कर दो रूट थ्री का करेंगे थ्री मिल जाएगा, जीरो का कर दोगे जीरो मिल जाएगा, कम से कम जीरो मिलना चाहिए, जीरो से बड़ा मिलना चाहिए। ठीक, अब कोई ऐसी नंबर है जिसका स्क्वायर करो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा ना मिले, हाँ बिल्कुल है आप कहो तो, जैसे हमने यहाँ पर माइनस ऐसे माइनस दी स्क्वायर रूट माइनस टू, स्क्वायर रूट माइनस टू इसका स्क्वायर करो तो भाई साहब आपको मिलेगा माइनस का टू, स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट हट जाएगा माइनस का टू मिलेगा, तो जी जो चीज मिली वो जीरो से कैसी हो गई, माइनस की संख्या सब जीरो से छोटी होती है तो माइनस टू जीरो से छोटी मिल गई, इसलिए ये जो हमारा स्क्वायर रूट माइनस टू था ये आपकी रियल नंबर वास्तविक संख्या नहीं है भाई साहब। ठीक है, एक और चीज सीखना, माइनस का रूट टू
इसका स्क्वायर करो तो भाई साहब पता क्या आएगा, आंसर आएगा दो। ये माइनस बाहर लगा था, माइनस माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है और रूट टू का स्क्वायर टू हो जाता है। बात समझ गए? तो माइनस रूट टू ये आपकी क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन ये वाली वास्तविक संख्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस लगा है वो रूट के अंदर है। अब आप समझ गए होंगे मुझे लग रहा है, ठीक समझ गए? कोई डाउट है तो आप पूछना जरूर, हम इस चीज को हटा रहे हैं। अच्छा, अब ऐसे नंबर को हम बोलेंगे क्या, ये वास्तविक संख्या तो है नहीं, इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक समझ गए। हटाते हैं इसको हम, कुछ नोट करनी हो तो आप वीडियो रोक के नोट कर लेना, ऐसी कोई बात है नहीं कि हमने हटा दिया सब चला गया। अरे आपके वीडियो में तो है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात करें कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ नंबर ऐसे लिखे होते हैं 2+3i, ऐसे आई की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट माइनस 1। इसको एक इमेजिनरी नंबर है। तो यहां देखो, इधर वाला रियल पार्ट है और इधर वाला इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इधर वाला। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या भी है, रियल का मतलब वास्तविक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। तो रियल और इमेजिनरी दो मिलकर के जो पूरा हमको संख्या मिलेगी इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या क्या है? वे संख्याएं जिसमें वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं दोनों शामिल होती है, उसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। समझ गए? तो ये बात समझ गए। अब हमारे पास बची कौन सी संख्या है? सम, विषम, भाज्य, भाज्य। बस सम वाली तो आप जानते ही होगी, ऐसी नंबर जो हमारी दो से कट जाए, दो से डिवाइड हो जाए, दो से भाज्य हो जाए, दो से भी ऐसे भी कहते हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाज्य होती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। द नंबर्स विच आर परफेक्टली डिविजिबल बाई टू आर कॉल्ड इवन नंबर। सम संख्याओं को इवन नंबर, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे करके आता रहेगा आपका, ये है आपका क्या, इवन नंबर। तो इवन नंबर इसी में पड़ी है 2, 4, 6 ऐसे करके, ठीक। ऑड नंबर वे नंबर होती है जो हमारी दो से पूर्णतया विभाज्य नहीं होती, दो से पूरी पूरी नहीं विभाजित होती, दो से पूरी पूरी नहीं कटती है। अपनी सामान्य भाषा में कहें तो जैसे 1 भाग लगाओ भैया 2 का, इसमें 2 का पहाड़ा पड़िए कि 1 मिल जाए, कभी नहीं मिल सकता। 3 में 2 का लगाओ, 2 का पहाड़ा पड़िए 3 मिल जाए, मिलेगा? कभी नहीं। 5 नहीं, यही क्या है, विषम संख्या, इनको ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? द नंबर्स व्हिच आर नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। दो से पूरी पूरी नहीं करती है उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। ये चीजें सब लोग जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? जी कॉम्प्लेक्स नंबर हटा देते हैं हम लोग। पूछ लिया कि आपका 1 से लेकर के 30 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं, तो कितनी है? Then our answer will be 15. कितनी है? 15 आपकी कैसी होंगी सम संख्याएं, और 15 क्या होंगी? विषम। इसको इवन बोलते हैं और इसको ऑड बोलते हैं, विषम। तो आधी सम संख्या होती है, आधी विषम संख्या होती है। क्लियर? ठीक, देखिए कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8,
यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 10 आगे चलती रहेंगी, यहाँ पर भी आगे चलती रहेंगी। देखिए दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर में डिफरेंस कितना है, दो लगातार सम संख्याओं में अंतर कितने का है, दो का। ये ऐसी बातें हैं जो हमको बहुत कुछ सिखाएंगी और शायद जिन पर आप गौर नहीं करते हो, ये चीजें बहुत हमारे लिए जरूरी है। आगे जब हम लोग कोई समस्या सॉल्व करते हैं तो अगर हम एक इवन नंबर एक्स मानते हैं तो दूसरी एक्स प्लस टू इसीलिए मानते हैं कि अगली नंबर जो होगी वो इससे दो ज्यादा होगी। अगर एक एक्स मानी है तो इससे पीछे वाली एक्स माइनस टू मान, ठीक है। लेकिन हम लोग ज्यादातर कैसे मानते हैं, इवन नंबर को पहली को हम 2m वगैरह मान लेते हैं, ऐसे दूसरी हमारी 2m प्लस 2, इसके पीछे अगर जाओगे तो 2m माइनस 2। दो लगातार नंबरों में दो का अंतर है, इसीलिए हम इवन नंबर जब भी माननी होती है तो भैया या तो 2m, 2m प्लस 2, 2m प्लस 4, 2m प्लस 6 ऐसे करते हैं। 2 यहाँ पे क्यों लगा दिया था कि m कोई सी नेचुरल नंबर ले लो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो हमेशा क्या बन जाएगी, इवन नंबर बन जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई, विषम संख्या भी हो उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बनेगी क्या, अगर ओड नंबर है 2 से अगर मल्टीप्लाई करती तो इवन बन जाएगी, ठीक है। इसलिए अगर हमें कभी लेना होता इवन नंबर तो हम 2m के रूप में लेते हैं। बस समझिए, ये बातें सब कोई नहीं बताया आपको, तो आप अच्छे से पूरा वीडियो देख लेना। ऐसे भी यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर भी दो क्रमागत संख्या तो कंसेक्यूटिव नंबर में कितने का अंतर है, दो का अंतर है, 1 और 3, 3, 5 कोई सी दो लगातार उठा लेना दो का अंतर है। तो यहाँ पर एक नंबर हमने एक्स मानी है विषम संख्या और नंबर, तो दूसरी एक्स प्लस 2 यहाँ पर भी होगी और एक्स प्लस 4 हो जाएगी और इससे पहले आओगे तो एक्स माइनस 2, यहाँ पर भी दो दो का अंतर आएगा। और यहाँ पर जो नंबर हम लेते हैं वो इस रूप में लेते हैं, जैसे कभी माना करके लेते हैं ना, तो ऐसे भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं, ऐसे लेते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे ले लेते हैं 2m-1, पहले दोगुना कर दो किसी नंबर को और एक माइनस कर देना तो हमेशा आपको ओड नंबर मिलेगा। कोई सी नंबर उठा लो भाई, 5 उठा लो, इसमें 2 से गुणा कर दो फिर एक माइनस कर देना तो 10-1, 9 ओड नंबर मिली। तो कोई भी नंबर होगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना और कोई नंबर मतलब कहाँ से आनी चाहिए, वो नंबर हमारी नेचुरल नंबर से आनी चाहिए, 2 से गुणा कर देना और एक माइनस कर देना, हमेशा वो कैसी बन जाएगी, ऑड बन जाएगी भाई साहब। चलो यार ये बात थी, ठीक समझ गए। अब क्वेश्चन तो और इस पर बनते हैं, इसके जोड़ घटाने पर बनते हैं, सॉरी क्वेश्चन तो और इस पर बनते हैं लेकिन वो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, समझ में आ गई है तो हम ये चीज हटा सकते हैं भाई। इसके बाद हम लोग दो नंबर हमारी और बची है, वो कौन सी, भाज्य और अभाज्य। ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमारे लिए, वो हम सब कवर कर देंगे, आप लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो कंपोजिट पहले बनेंगे, कंपोजिट नंबर्स आप लिख लेंगे और यहाँ पर प्राइम नंबर्स, ये इसको कहते हैं भाज्य और इसको कहते हैं अभाज्य। कंपोजिट क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट वन इन इटसेल्फ, ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर से कट जाए, एक और अपने को छोड़ करके एक और अपने से सब नंबर कट जाते हैं, सबके सब कट जाते हैं, तो एक और अपने को छोड़ कर किसी से भी कट जाए नंबर, वही हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ध्यान रखना 4, उसके बाद भाई साहब आपका 6, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद आपका 14, उसके बाद 15 स्ट्रांग, ये सब नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या हुई, 4।
इसके बाद आए प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर क्या है? द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, एक और अपने के अलावा वो किसी से भी नहीं करती, किसी से डिवाइड नहीं होती है। जैसे मिसाल सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, कि 2 क्यों, ये प्राइम नंबर क्यों है? किसी से नहीं कट रहा अपने और एक के अलावा, भले ही कैसा है, इवन है, बट ये किसी से नहीं कटेगा, अपने से कट रहा, इसलिए ये क्या है? अभाज्य है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, एक ऐसी नंबर बताइए जो इवन हो और कैसी हो, प्राइम हो, इवन प्राइम नंबर। तो सिर्फ सिर्फ एक नंबर है 2 जो इवन भी है और प्राइम भी। हिंदी में कहेंगे सम अभाज्य संख्या। तो यही सम अभाज्य संख्या है, इसके बाद आपका 3 आएगा, 5 आएगा, 7, ठीक है, हाँ सही, 7 आएगा, उसके बाद आपका कौन सा आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, उसके बाद आपका 17 आएगा, 19 आएगा, उसके बाद आपका 23 आएगा, उसके बाद 29 आएगा, ये सस्ता सस्ता सस्ता। तो जितने भी अब आपके प्राइम नंबर आवाज संख्या आ रही है, सबकी सब विषम भी है। सबकी सब कैसी है? विषम। बस दो भाई साहब को छोड़कर, यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। आपसे पूछ लिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि निम्न में से कौन सी एक सम अभाज्य संख्या है, एक इवन हो, इवन प्राइम नंबर, तो वो 2 पे आप टिक करना। ठीक, समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो समझ गए, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे बन नहीं आएगा, बन भी किसी से नहीं करता है, लेकिन बन आवाज संख्या में भी नहीं आता है, भाग संख्या में भी नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि 1 से लेकर तक, लेकर के 100 तक कुल कितनी आवाज संख्या है? ऐसे और भी पूछा जाता है कि 10 से 20 के बीच में कितनी है, 30 से 40 के बीच में, 50 से 60 के बीच में कितनी है? तो हमने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया, वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर के वो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें पता लग जाएगा कि 100 से बीच के, 90 से 100 के बीच में कितनी है, 60 से 70 के बीच में कितनी है, सब पता लग जाएगा। अभी हम लोग देखना चाह रहे हैं कि 1 से 100 तक कुल कितनी आवाज संख्या या प्राइम नंबर है। तो भाई साहब टोटल 1 से लेकर के 100 तक है 25, कितनी है, 1 से लेकर 100 तक है 25। और भाज्य संख्या से 100 तक कितनी है? 1 से लेकर के 1 से लेकर 100 तक आएंगे 74। तो आपकी कौन सी है, कंपोजिट नंबर है, 25 प्राइम नंबर है। 74 25 को अगर जोड़ा जाए तो हुआ 99। कितना हुआ? 99 हुआ। एक कम क्यों रह गया? क्योंकि एक ना तो इसमें आ रहा और ना एक तो सब चीज समझ रहे हो यार। एक टर्म और हमसे यहाँ पे आ जाता है जिसे हम कहते हैं कुप्राइम नंबर। कुप्राइम नंबर इसको हम सह आवाज संख्या कहते हैं। सहवास संख्या, तो कभी कभी सहवास संख्या लिख के आ गया, लेकिन हमारे बहुत से स्टूडेंट क्या समझते हैं कि को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर एक ही है। कभी ऐसा मत समझना, को प्राइम नंबर अलग है, प्राइम नंबर अलग। को प्राइम नंबर मतलब कि जो आपस में प्राइम हो, भले वो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 2 नंबर यहाँ मिल लेंगे, वो 2 नंबर आपस में कैसी हो, आपस में प्राइम होनी चाहिए, आपस में अभाज्य होनी चाहिए। जैसे 2 3 ले लिया है, ये एक जोड़ा, 3 4 ले ली है, 4 5 ले ली, 5 6 ले ली, ये बताओ जी आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, ये आपस में, ये कटेंगे आपस में नहीं। एक तरीका और समझने का ऐसे भी कहा जा सकता है कि इनमें कोई हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन इनका गुणनखंड नहीं होना चाहिए, इनमें कोई चीज कॉमन है, एक तो मिल जाएगा यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी,
एक तो काम हर जगह मिल जाता है, उसके अलावा कोई काम है, कोई काम नहीं। हमने अगर लिख दिया टू और फोर, यहाँ कुछ काम है इन दोनों में, दो यहाँ पर भी है और दो चार में भी शामिल है, हमें दिखाई तो नहीं जरा लिखना है, तो तुझे को प्राम नंबर नहीं है भाई साहब। हमने यहाँ पर लिख दिया फोर और सिक्स, इनमें कुछ कॉमन है, यहाँ पर भी दो है और दो छह में भी छिपा होता है, सिक्स में भी छिपा होता है, तो ये भी को प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है। ठीक, यहाँ पे और कुछ बढ़ा दे, सेवन और नाइन कर ले, इनमें कुछ कॉमन है भैया, सेवन नाइन में आपस में कुछ कुछ भी नहीं है, ये भी को प्राइम नंबर है। ठीक है, फोर और नाइन इसमें कुछ है कॉमन, फोर नाइन में क्या कॉमन, कुछ भी तो नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारी ऐसी है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में हमेशा दो नंबर लेना है, ठीक है, सही साथ साथ को प्राइम, जी हमारी को प्राइम नंबर नहीं है, इनमें कॉमन है। थ्री नाइन, इसमें भी कुछ कॉमन मिल जाएगा, थ्री यहाँ पर भी, थ्री इसमें भी होगा, थ्री कॉमन है, तो ये भी को प्राइम नंबर। अब आप समझ गए होंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक, आई होप अब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और मैंने भी जितना हमारे माइंड में चीजें आई सब कुछ बताने की कोशिश की, फिर भी कोई चीज छूट रही हो प्लीज कमेंट, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर। चलिए आज के लिए इतना काफी है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप हैपी, बाय बाय।